हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन का। अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि जो आपका मैंने यहाँ अभी करीब करीब 6 महीने हुए हैं और इस 6 महीने मैंने आपका जो योगदान देखा साइंस को किसानों तक पहुँचाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी किसानों के यहाँ कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई हमने कोई ट्रेनिंग की, कोई प्रोग्राम के बारे में पहल की, वो आपके माध्यम से हजारों हजारों किसानों तक भाई। और आपकी सार्थकता उपयोगिता इस समय में और भी बढ़ जाती है जब पर्सनली रूप से किसानों तक जो हमारे अन्नदाता है या हमारे बैंक भी है, हमारे स्टेक होल्डर है, उन तक तकनीकी को पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस पर काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमसे क्या चाहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या चाहता है, सीड बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो क्या चाहता है, तो हमारी रिसर्च एक्सटेंशन टीचिंग सारी जो प्रायोरिटी होती है वो उनकी प्राथमिकताओं को पूरी करने की होती है। तो हमने सबसे पहले जो मीटिंग यहाँ की आने नवीन चौधरी जी के साथ में की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, तो एक तय किया गया कि हम हर महीने जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं एक वन टू वन हम जो है डिस्कशन हर महीने किया है और ये 4 जुलाई को हमने इसकी शुरुआत की थी और फॉर्चुनेटली अभी हम उसको हर महीने मेंटेन कर रहे हैं। कभी यहाँ मीटिंग होती है, हमारे अधिकारी सारे होते हैं, कभी उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ हम जाते हैं और एक आध बार तो ये इस तरह का सम्मेलन किसान और विज्ञान आइसोलेशन में काम करते थे, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते थे और वो सहभागिता की दृष्टि से काम कर रहे हैं कि उनको क्या जरूरत है उसे हमको काम करना है। और ऐसे कुछ सजेशन जो हमने दिए इसका फायदा ये हुआ, हमने उनको कहा कि आप प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर दीजिए, दोनों तीनों मीटिंग में हमने डिप्टी साहब के सामने भी ये कहा। तो अभी हमारी मीटिंग थी राम सेवक जी जो डायरेक्टर थे हॉर्टिकल्चर के, वो आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके सजेशन पर हमने किसानों के लिए 25 आउटलेट मार्केटिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए शुरू कर दी। तो ये बड़ा एक हमारा छोटा सा जो भाई हमारा जो प्रचार प्रसार का तंत्र है वो मीडिया है, हमारे किसान को हमारा क्लाइंट एक जगह नहीं बैठा है, पूरे राज्य में है और कुछ चीजें राज्य में नहीं राज्य से बाहर भी चीजें हमारी उपयोगिता है। तो जब तक हमारा मीडिया के साथ में रेगुलर तालमेल नहीं होगा तो हमारे जो प्रयास हैं उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने एक मीडिया सेल का गठन किया और मुझे बड़ा संतुष्टि है, इन्होंने बड़ी बखूबी हर छोटे बड़े कार्यक्रम को, हर टेक्नोलॉजी को, कहीं हमने एनिमल हेल्थ का कैंप लगाया, कहीं डेयरी ओनर्स के साथ में हमने बात की, कहीं फिश फार्मिंग का हमने कोई ऐसा कैंप किया, वो हर चीज को आपने इनके माध्यम से कवर किया। तो मेरा ये था कि हर 3 महीने पे एक हम मीडिया के साथ में मीट किया करेंगे, इंटरेक्शन किया करेंगे, तो थोड़ा किन्हीं किन्हीं कारणों से डिले होता गया। तो ये कोई आज का इवेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सहभागिता है रेगुलर बेसिस पर है, हर 3 महीने 4 महीने में हम यहाँ बैठे हैं या कहीं और अन्य जगह बैठे हैं, कभी इस कार्यक्रम को गांव में भी।